नमस्कार, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। आज हम पालक से बनने वाली बहुत ही सरल रेसिपी बताएंगे। आज हम ये पालक की रोटी बनाएंगे। हमने इसको अच्छे से धुल लिया है और साफ कर लिया है, इसके डंठल तोड़ दिए हैं। अब इसको मिक्सी में हम पीस लेंगे और फिर इसको आटे में सान कर रोटी बनाएंगे। पालक पीसने में हमने ये आधी मिर्च लिए हैं, 3 टुकड़े छोटे छोटे, और ये 2 टुकड़े अदरक के लिए हैं, ये भी पीस लेंगे। पालक हमने पीस लिया है, अब इस आटे में मिलाएंगे। हम पहले 1 चम्मच घी मिलाएंगे। ये छोटा चम्मच है। ये हमने गेहूं का आटा लिया है, अभी पालक मिलाएंगे। और आटे मिला देंगे, पानी अगर कम पड़ेगा तब हम पानी डालेंगे। हमने पालक इसमें अच्छे से मिला लिया है, अब थोड़ा थोड़ा पानी डालकर हम अच्छे से इसको सान लेंगे। इसको हम मसल मसल कर अच्छे से सानेंगे और इसको मुलायम रखना है, ज्यादा टाइट नहीं रखना है, ताकि रोटियां मुलायम बने। आटा हमने लगा लिया है, ये देखिए बहुत मुलायम है, हमने बहुत मसल मसल कर इसको साना है, अच्छे से साने नहीं तो रोटियां अच्छी नहीं है बनेंगी। इससे मसल मसल कर सानने से मुलायम रोटी बनती है। अब हम गैस जलाते हैं। ये गैस जला लिया है, तवा गर्म हो रहा है और इसकी छोटी छोटी लोई बना लेंगे। ये हमने सूखा आटा लगाकर बेलना चालू किया है। इसी तरह फिर से लगा लेंगे, थोड़ा थोड़ा आटा लगाएंगे। इसी तरह दूसरी भी रोटी हम बेल लेते हैं। एक बार रोटी चेक कर लेते हैं, पलट दिया। इसको अच्छे से खड़ी खड़ी बनाएंगे। ये रोटी बनकर तैयार हो गई है, हम दूसरी भी रोटी बना लेते हैं। इसी तरह हम दूसरी भी सेक लेते हैं।
ये खाने में भी बहुत टेस्टी होती है, गरम गरम खाएं। इसी तरह हम सारी रोटियां बना लेंगे। आप देख सकते हैं सारी रोटियां फूली हैं। कहीं से भी अगर फट जाती है तो आप चिमटे के सहारे से ऐसे कर दे, फूली फूली रहेगी। सारी रोटियां हमने सेक कर तैयार कर लिया है। अब हम गैस बंद कर देते हैं। अब इन्हें हम गर्मा गर्म सर्व कर देते हैं। इसमें आप अच्छे से घी लगाएं, आप चटनी के साथ, सब्जी के साथ, अचार के साथ खा सकते हैं इनको। ये बच्चों को पालक कम पसंद आती है, लेकिन इस तरह रोटियां अगर बना कर देंगी तो बच्चे पसंद करते हैं। ये घी लगा देते हैं अच्छे से। हमारी रेसिपी आपको कैसी लगी? पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।